अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ दिसंबर कटिंग रिज़ल्ट। मैं प्रूफ के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने ये देखे, ये मैंने कोरियस लगाया था, कोरियस के ऊपर फूल आ गए हैं फ़ौरन से, तो ये मैंने कटिंग लगाई थी। अब मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी कि ये है ये लगाया मैंने, ये लगाया मैं निकाल के विद रूट दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे लगाया। दिसंबर में जो जो कटिंग लगाई है मेरी, माशाल्लाह से सारी की सारी कटिंग, माशाल्लाह से सारी अच्छी उन्होंने रूटिंग स्टार्ट की है। और ये है मेरा कोरियस, ये देखें इसकी कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी इसकी कटिंग हो रही है। ये मैंने नवंबर के एंड पे लगाया था, तो ये देखें अब ये मेरा 2 हफ्ते का रिज़ल्ट है। माशाल्लाह से ये देखें ये कितना अच्छा इसका हो रहा है। इसकी आज वीडियो बनाई मुझे काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी और वॉइस ओवर नहीं कर सकी, इसलिए मेरी ट्वीट ख़राब थी। ये देखें ये मेरा है कोलियस था, और उसके बाद ये मेरा है एरिसन। एरिसन की भी आसानी से लगने वाली ये कटिंग है, ये बहुत ही प्यारा फॉलिए प्लांट है। जितने फॉलिज प्लांट मैंने लगाए हैं ये सारे वहाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। और ये मैंने कप में लगाया था, देखें इसकी रूट्स अंदर से वैसे भी विजिबल हो रही हैं, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये देख इसकी रूट्स देखें कितनी अच्छी बनी है, ये देखें माशाल्लाह से जाल बन गए इसकी रूट्स का। और ये मेरा तकरीबन ये वाली मेरी 3 हफ्ते हो गए थे मेरी कटिंग को लगे हुए, तो इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छे से, और भी बहुत ही आसानी से लगने वाले प्लांट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं अभी भी, अब बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है, अब शायद कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी कटिंग ना लग सके। और उसके बाद है ये मेरा पर्पल हार्ट, ये देखें ये भी मैंने कटिंग से सारे लगाए हुए हैं, इनकी भी रूट्स बहुत अच्छी से हो गई है। ये मेरा पीछे पड़ा था तो थोड़ा डर्टी सा हो रहा है, देखें मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी इसको भी। ये देखें इसकी रूट्स देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई हैं। और जितने भी ये फॉलिएज प्लांट हैं ये एक मिक्स अप करके लगाए हों तो बहुत ही अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है। ये देखें ये भी मेरा, ये देखें इसकी रूटिंग देखें इस मेरे प्लांट की, और सॉरी मैं इसका थोड़ा सा नाम भूल गई हूँ। ये मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा, इसके सीड बनते हैं जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं वहीं ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। और उसके बाद है ये मेरा रोयो प्लांट है, रोयो प्लांट की भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी, मिट्टी में इसकी बनाती हूँ। देखें ये इसकी कटिंग भी देखें माशाल्लाह से, तो ये अच्छी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, रोज और ऊपर से ग्रोथ भी इसकी स्टार्ट होगी। मिट्टी में बनाती थी, थोड़ी सी मैंने कोको पीट डाली थी, सेंड थी, पत्तों की खाद थी। और ये मेरा टेक्सस प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है जिसको विंकी, सॉरी ये वाला जो है मेरा वाटर मिलन, हाँ ये वाली इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी से बन गई हैं। ये देखें ये सैकुलेंट प्लांट है, इसकी भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो गई है, बाहर से भी नज़र आ रहा है, पर मैं आपको साथ साथ निकाल के दिखाऊंगी। ऐसे नहीं कहूंगी कि ये इसकी बन गई, इसकी बन गई सॉरी मेरा गला बड़ा ख़राब है। ये देखिए इसकी रूट्स कैसे बन गई माशाल्लाह से, सारे मैंने कप में लगाए थे, सैंड इसमें मैंने ज़्यादा डाली थी। जो भी आपने कटिंग लगानी हो उसमें सैंड की मिकदार ज़्यादा रखनी चाहिए। और ये मेरा है वाइट, जिसके अंदर येलो सा डॉट होता है, वो मेरा विंका का प्लांट है। ये देखें इसकी रूटिंग भी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंदर से निकाल के दिखाऊंगी इसको कि इसकी रूटिंग आपको विजिबल हो सके कि कैसे इसकी रूट्स बनी है। ये देखें ये इसकी रूट्स बनी है जी। तो और अब मेरा प्लांट मैं निकाल के दिखाऊंगी, ये है वही टैक्सी विंका, विंकी बोलते हैं इसको। इस पर ना पिंक से कलर के ना बड़े प्यारे से फूल, छोटे छोटे से फूल आते हैं, ये बाड़ के तौर पे लगाई जाती है। देखिए इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छे से बन गई है,
ये बहुत ही आसानी से लगने वाला, कटिंग से लगने वाला प्लांट है। और उसके बाद आता है वेंड्रिक जो, वेंड्रिक जो मुझे बहुत ही मेरा पसंदीदा प्लांट है, मेरे काफ़ी सारा लगा हुआ है, लेकिन मैंने ये कटिंग लगाई थी कप में और इसने इधर से रूट स्टार्ट कर ली। मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे मेरी रूटिंग हुई क्या। और ये है मेरा डेवल्स बैकबोन, डेवल्स बैकबोन की भी मैंने कटिंग लगाई थी। ये भी आसानी से लगने वाला प्लांट है, लेकिन ये बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। ये थोड़ा पॉइजन सा प्लांट है, इसके अंदर से वाइट सैप सा निकलता है, उससे हाथ पे एलर्जी भी हो सकती है। करने के बाद हाथ को लाजमी धोने चाहिए। और ये देखें, ये है मेरा, ये देखिए इसकी कटिंग देखिए, बेबी सन रोज़ है। ये भी मुझे कटिंग आई थी, तो दो कटिंग आई थी, दोनों मैंने लगाई थी, दोनों की रूटिंग स्टार्ट हो गई माशाल्लाह से। और ये देखें मेरा टेंगल हार्ट, ये भी मुझे कटिंग आई थी, ये देखिए इसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और ये एक सेकुलेंट प्लांट है ये, हाँ जी। और उसके बाद आता है मेरे पास ये पांडा फाइकस, ये देखिए ये पांडा फाइकस की है, और मैंने बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाई हुई है। उसके बाद आता है जी ये सबसे आसानी से लगने वाला जेट प्लांट है, किसी भी सीज़न में आप इसको लगा सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। और उसके बाद आता है जी लालसा, ये देखिए इसकी रूटिंग देखें कितनी अच्छी बनी है। और ये है मेरे पास डोरांटा, वाइट कलर के फूल खिलते हैं, ये बार के तौर पे इस्तेमाल होता है। देखिए ये रूट इसकी कहाँ तक चली गई है, ये देखें, और ये कितनी अच्छे से इसकी रूटिंग हुई है। ये मैंने अपनी सिस्टर को भेजना है, मैं इसको छोटे कप में इसको शिफ्ट करूँगी, अब मैं इसको पॉट में नहीं लगाऊँगी किसी में भी। और ये देखिए ये कटिंग थी इसकी, और ये देखिए इसको मैंने अभी इसके अंदर रखा है, मैं इसको शिफ्ट करूँगी। और उसके बाद आता है ये सबसे प्यारा खूबसूरत समर का बहुत ही प्यारा प्लांट, मनी प्लांट। और ये देखिए पानी में रख के आप इसकी ग्रोथ करवा लें, उसके बाद आप इसको मिट्टी में शिफ्ट कर दें। और ये है मेरा, ये भी मैंने कटिंग आई थी मुझे रक्साना ने भेजी थी मुझे, ये देखें जी ये इसकी भी कटिंग देखे लग गई है, ये देखें कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। मैंने कहा कि निकाल के दिखाऊँ आपको, क्या आप ये नहीं सोचें कि पत्नी एवं, बस कुछ लोग होते हैं कि कहते ये भी कटिंग लगाई, ये भी लगाई है। और उसके बाद है ये मेरे पास अरेबियन फैक्स, इसको मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि ये भी मुझे कटिंग आई थी जैनली रूफटॉप की तरफ से, मैं इसको निकालूंगी नहीं, इसको इसी में रखूंगी। और मैं कैसे मिट्टी तैयार करती हूँ, मैं पॉट में पहले डालती हूँ थोड़ी सी मिट्टी, उसके बाद उसके अंदर डालती हूँ मैं वेजिटेबल्स, और उसके बाद मैं उसके अंदर प्लांट शिफ्ट करती हूँ। और ये देखें ये जो प्लांट इसके अंदर शिफ्ट करूँगी, ये बेबी सन रोज़ है, इसको भी मैं एक पॉट पर शिफ्ट करूँगी क्योंकि मैंने उससे निकाल लेना। ये देखें मैंने इसको भी कर दिया शिफ्ट, इसको भी कप से निकाल के मैंने शिफ्ट कर दिया है, इसको भी कप में रखूँगी, लेकिन ये इनका मैंने कर दिया है, और इनको भी मैंने इस पॉट में शिफ्ट कर दिया है, और दूसरे पॉट, हाँ जी ये विंग का मैंने शिफ्ट किया, और ये पॉट बेबी सन रोज इसमें शिफ्ट किया मैंने, और दूसरे बड़े पॉट में जो मैंने प्लांट शिफ्ट करूँगी, ये देखिए मेरे ये वाले प्लांट इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। और यहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए।